भारत के 7 राज्यों में आंधी तूफान बारिश ने बरपाया है कहर। गई हैं 100 से भी अधिक जानें। यूपी और राजस्थान बुरी तरह से चपेट में। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। हाल ही में देश में भीषण तपती गर्मी के बीच अचानक से तूफान और बवंडर आया और उसने काफी कहर बरपा दिया। इस तूफान से जहां देश के 7 राज्य प्रभावित हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान यूपी और राजस्थान में हुआ है। प्रकृति के इस कहर के अंतर्गत देश भर में 100 से भी ज्यादा मौतें होने की सूचना है, जिनमें से इकलौते यूपी में 51 मौतें हो गई हैं और राजस्थान में 34 से भी ज्यादा। यूपी के आगरा में 36 मौतें हुई हैं। इसके अलावा बिजनौर में 3 और सहारनपुर में 2 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान में आंधी और तूफान के कहर के कारण मृतकों के अलावा 100 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की है। राजस्थान प्रदेश की यदि बात की जाए तो यहां बुधवार शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास देर रात तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा ने भरतपुर, धौलपुर और अलवर जिलों में तबाही ही मचा दी। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिलों में भी तूफान का असर देखने को मिला है। इस तूफान ने सबसे ज्यादा कहर भरतपुर जिले में बरपाया है। इस तूफान की वजह से कच्चे घर गिर गए हैं। इसके अलावा पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के कारण उसके नीचे दबने से लोगों की मृत्यु हुई है। राजस्थान प्रदेश में इन 4 जिलों के अलावा तूफान का असर सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर से श्रीगंगानगर जिले तक देखने को मिला है, लेकिन यहाँ कोई खास बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जयपुर में आंधी चली, लेकिन इसकी रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भरतपुर जिले में जान माल की हानि होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कच्चे घरों का गिरना था। लोगों ने कच्चे दीवारों पर लोहे की टिन शेड्स की छत बनाकर 5 से 10 किलो वजन के पत्थर रखे हुए थे। जैसे ही तूफान तेज हुआ, टिन शेड्स उड़ गया और पत्थर घर में सो रहे लोगों पर आकर गिरे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इकलौते भरतपुर जिले में 50 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं धौलपुर जिले के 3 गांवों में आग लगने के कारण कच्चे घरों के जलने से लोगों की मृत्यु हुई। अचानक आई तूफान और आंधी के कारण आग की लपेटों ने घरों को जलाकर खाक कर दिया। धौलपुर वो जिला था जहां पर इस आंधी और तूफान की चपेट में 3 लोग जिंदा जल गए। इस भीषण तूफान के कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और धूल भरी आंधी चलने के कारण कई मार्गों पर वाहन आपस में भिड़ गए। शुरुआत में इस आंधी और तूफान को सामान्य माना गया, लेकिन जब लोगों के मरने की सूचना आने लगी तो ये खबर मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाई गई। इन सब के बाद रात्रि 12 बजे से बचाव कार्य की शुरुआत की गई और तेज आंधी और तूफान में पेड़ों के गिरने से बाधित हुए जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मार्गों से पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया। और यातायात ही नहीं बल्कि इस तूफान का रेल यातायात पर भी गहरा असर हुआ। कुछ ट्रैक पर पेड़ों के गिरने से रेल यात्रा भी प्रभावित हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने तबाही में लोगों की मौत पर संवेदना जताते हुए अपने मंत्रियों को तूफान प्रभावित जिलों में भेजा है, ताकि वो नुकसान का जायजा ले सकें। यहां की सरकार ने लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें खाद्य सामग्री के साथ साथ पीने का पानी और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्थान में आपदा प्रबंधन के लिए 2.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है, जिसमें भरतपुर जिले को 1 करोड़, धौलपुर जिले को 85 लाख और अलवर जिले को 65 लाख रुपए मुहैया कराए गए हैं। तूफान ने इन सब के साथ बिजली की लाइनों को भी खराब कर दिया है। सैकड़ों बिजली के खंभे गिर गए हैं। इसके कारण कुछ जानवरों के करंट की चपेट में आने की सूचना बताई गई है। राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश में भी बिजली चमकने और तूफान की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि यहां 11 जिलों में बिजली गिरी है और उसके साथ साथ यहां कई केले और आम के पेड़ गिर गए हैं और हजारों एकड़ में लगी हुई धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। जहां एक तरफ इस तूफान आंधी ने देश के कई राज्यों में कहर बरपाया, वहीं शहर दिल्ली को गर्मी से राहत दे दी। दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान गिरा और लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल गई। दिल्ली में बारिश होने से पहले तेज हवाएं चली, जिनकी रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसके बाद बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस हो गया और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इस आंधी ने 3 बच्चों सहित 5 लोगों की जान ले ली। देशों की राज्य सरकारें एवं प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। जल्द ही परिस्थितियों को फिर से सामान्य किया जाएगा। इसी के साथ दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।